आपने मुंबई वाले सेशन में बताया था ऑब्जर्वेशन पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना, आपने कई तरीके बताए थे, स्टीव जॉब्स के वीडियोस देखने एंड चेस खेलने एंड ऑल आपने बताया था। ये लॉन्ग ड्यूरेशन के बात हो गए, कम ड्यूरेशन में ऑब्जर्वेशन पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? कम मतलब कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में, कितनी कम ड्यूरेशन कुछ दिनों में? ये कुछ दिनों का काम नहीं है, ये पूरी जिंदगी का काम है। जो ऑब्जर्वेशन है उसी का तो सारा खेल है। एक जगह पर अगर आपको फोकस करना आ गया तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? सोचो, ये जो चीज है ऑब्जर्वेशन पावर्स को स्ट्रांग करने की, ये पूरी जिंदगी की है, 24 घंटे की है। ये नहीं है कि हम 5 मिनट के लिए कहीं बैठ गए और अपनी चेस खेला और सोचा कि हमारी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी। जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है जो घर में खाना बना रही है अपनी फैमिली के लिए, तो वो क्या सोचेगी? फटाफट से मैं जल्दी जल्दी खाना बना दूं, अपना काम खत्म करूं और आगे बढ़ूं, अपना जा करके टीवी में सीरियल्स देखूं, सास बहू के सीरियल्स आने वाले हैं वो देखूं, आज देखूं क्या होने वाला है उस सीरियल के अंदर। ऐसे ही होता है, माइंड इसी तरीके से काम करता है। तो अगर उस लेडी को अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स को बढ़ाना है तो उसको क्या करना है कि जब वो खाना बना रही है तो उस काम में अपना पूरा का पूरा प्यार डाल दे, उस खाने बनाने के छोटे से काम को ध्यान से करे। ये आदत का खेल है सारा, कि जिस इंसान की आदत है ना एक काम को बारीकी से करने की, वो छोटे से छोटा काम भी करेगा परफेक्शन के साथ करेगा। जिसकी आदत हो गई है फटाफट से बस काम करके मैं खत्म करूं, वो अंदर डीप में जाएगा ही नहीं, परफेक्शन की हदों को पार करेगा ही नहीं। तो आदत क्या है? कोई भी काम लाइफ में ये दिन में 5 मिनट या 10 मिनट करने का नहीं है, 24 घंटे जब भी आप जो भी काम कर रहे हैं उस वक्त सिर्फ वही काम कर रहे हैं, पूरे अपने ध्यान को सब तरफ से हटा करके उस काम में ले आए। जब पार्क में वॉकिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चल रहे हैं, उस टाइम के लिए घर पे मोबाइल को छोड़ करके आ गए, तो क्या कर रहे हैं? चलने पे ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं आसपास में क्या है। बुद्ध से जाकर के किसी ने पूछा कि मुझे एनलाइटेंड होना है, मैं क्या करूं, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं, मैं क्या करूं? उन्होंने बड़ी सिंपल सी चीज कही, देखने के टाइम पे देखना है, सुनने के टाइम पे सुनना है, सूंघने के टाइम पे सूंघना है, बोलने के टाइम पे सिर्फ बोलना है, और जब कुछ फील कर रहे हैं, जैसे अभी दो उंगलियां टच हुई तो जो फीलिंग हुई, फीलिंग के टाइम पे सिर्फ फील करना है, सिर्फ फील करना है। तो अगर इन चीजों को हम फील करने लग गए, एक एक काम को बारीकी से करने लग गए, तो ऑटोमेटिकली जो भी हम काम कर रहे हैं, हम जिस भी लाइन में हैं, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, आप उस काम को भी इंजॉय कर करके करोगे, आप उस काम को ध्यान से करोगे, आप उस काम को प्यार से करोगे, और जितना उस काम में प्यार जाता चला जाएगा, आपका ध्यान जाता चला जाएगा, आप उतना ही एक्सीलेंस की हदों को पार करते चले जाओगे। तो अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं क्या है, अगर एक लाइन में आपको बताऊं कि जिंदगी के हर पल में अपना सब कुछ डालना है, कुछ भी अगले पल के लिए बचा करके नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप मेरा क्वेश्चन है कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं, हमको पता है वो काम करना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना है, लेकिन जब वो कर रहे हैं तो दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, आज ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो उस टाइम में आप 100% दें, इसके लिए क्या करना है? इन्होंने ये पूछा है कि जो मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ कि एक काम को ध्यान से करना है, अभी मैंने कह तो दिया, क्या आप अभी यहाँ से बाहर निकल करके जाओगे और एक काम को ध्यान से करने लग जाओगे? पढ़ाई कर रहे हो, पूरा का पूरा ध्यान सब जगह से हट करके पढ़ाई में आ जाएगा? मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा, यूट्यूब की तरफ नहीं जाएगा, फेसबुक की तरफ नहीं जाएगा? क्या करोगे भाई, कैसे अपने ध्यान को उस जगह पर लेकर के आओगे? तो करना क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको एक दिन में कोई झंडे नहीं गाड़ने हैं, एक दिन में इस ऑब्जर्वेशन के अंदर एक्सपर्ट नहीं होना है, ये पूरी जिंदगी की साधना है। वही तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि एक दिन या दो दिन का काम नहीं है, कि अगर आपने इस चीज को समझ ही लिया और इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो शुरुआत में क्या होगी, आप एक काम कर रहे होगे, बार बार आपका ध्यान भटकेगा। आप एक घंटे के लिए काम कर रहे हो, आपका ध्यान सिर्फ 5 मिनट टिका, बाकी के 55 मिनट भाग रहा है, यार उसने मुझे वो कहा था, उसने मुझे ये किया था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। होता है ना, एक बात जा करके दिमाग में बैठ जाती है, चिपक जाती है, एक थॉट है जा करके माइंड में घुस जाता है और हम चाह करके भी उसको निकाल नहीं पा रहे होते,
कई दिनों तक और कुछ कुछ लोगों के साथ तो कई कई महीनों तक और कुछ कुछ लोगों के साथ में पूरी जिंदगी एक ही थॉट बार 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 दिमाग में घूमता रहता है। एक आदमी ने हमारे साथ में कुछ गलत कर दिया, बार 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 ना चाहते हुए भी उसकी याद आ रही है जिसको हम भूलना चाहते हैं, बार 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 दिमाग में वो कीड़े की तरह घुस गया है। तो क्या होगा, शुरू में अगर आपने एक घंटा अपने ध्यान को एक काम में रोकने की कोशिश करी और आप फेल हो गए, ऐसा आपको लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ 5 मिनट भी आप अपने ध्यान को उस काम में रोक पाए, ये सब बातें सुन करके जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, तो आप लाखों कदम आगे आ गए उन लोगों से जिनको अपने ध्यान को एक सेकंड के लिए भी एक काम में लगाना आता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो तो हमारे मन में कहीं ना कहीं हो जाता है यार पहले तुम सुधरो फिर मेरे बारे में सोचना, और ये मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा लोगों के साथ ऐसी ही बातें होती है, और इसकी वजह से हम जो है कभी पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बढ़ते नहीं हैं। इसको कैसे दूर करें कि पहले हम ही सुधरते हैं यार तुम सुधरो चाहे नहीं सुधरो? मैं सीधा सीधा आपको जवाब दे देता हूँ। तेल लेने गई दुनिया, तेल लेने गए बाकी सब, बाहर में गई पूरी की पूरी दुनिया, वो बदलते हैं नहीं बदलते क्या फ़र्क पड़ता है, वो सुधरते हैं नहीं सुधरते क्या फ़र्क पड़ता है, अपने आप से शुरुआत करो ना भाई। देखो कितना आसान है, हर आदमी इंतजार कर रहा है उस दिन का जब सब बदल जाएंगे तब मैं बदलूंगा। कभी होगा ऐसा? नहीं होने वाला। तो अंदर तक हमको जानना क्या है, समझना क्या है भाई। देखो जरूरी क्या है कि जो लोग कुछ गलत कर रहे हैं या गलत रास्ते पर चल रहे हैं वो किसी दूसरे का नुकसान बाद में करते हैं, पहले वो खुद का नुकसान करते हैं। इस बात को ध्यान से पकड़ना। ये जो चीजें हैं ना, जितनी भी बुराइयां हैं हमारी सोसाइटी में, ये मत समझो कि वो किसी का बुरा कर रहे हैं। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो खुद का बुरा करते हैं। अपने माइंड में अंदर ही अंदर उनकी क्या हालत होती है आप इमेजिन कर सकते हो? वो आदमी जिसका दिल अंदर से सड़ चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, बाहर से चाहे उसके पास जितनी मर्जी सक्सेस है, जितना मर्जी पैसा है, लेकिन उसका ईमान खो गया, सब कुछ खो गया, पूरे तरीके से खत्म हो गया, तो क्या है उसकी जिंदगी? खोखला है वो आदमी अंदर से। कभी उसकी आंखों में झांक करके देखो, आपको इतनी सी भी खुशी नजर आएगी? दिल पत्थर का हो गया ऐसे लोगों का। और मेरी इस बात को ध्यान से समझना कि जो भी चीज इस पूरी दुनिया में जिंदा है वो फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और जो चीज मर गई है वो अकड़ गई है। कोई पेड़ है, कोई पेड़ है, जब तक वो जिंदा है देखो कितना सॉफ्ट है, कभी यहां जा रहा है वहां जा रहा है वहां जा रहा है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, और जैसे वो मर गया तो क्या होता है? अकड़ जाता है। ऐसे ही हमारा इंसानों का है कि जब तक आदमी जिंदा है तब तक फ्लेक्सिबल है, हाथ पैर हिल रहे हैं, सब कुछ है, मरने के बाद में क्या होता है? बॉडी अकड़ जाती है, पूरे तरीके से अकड़ जाती है। तो जिसमें भी अकड़ आ गई और इन चीजों की वजह से क्या होता है? अकड़ आती है। जब भी कोई गलत काम करेगा उससे भी तो ईगो बढ़ रही है ना, अहंकार बढ़ रहा है ना, गलत ट्रैक पे वो चल रहा है, तो उसके अंदर अकड़ आती चली जा रही है, वो अकड़ता चला जा रहा है। तो बाहर से दुनिया को दिखाने के लिए चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल है, अंदर से मान लो ना उसका बच्चा अगर मर गया, जो दिल उसका पत्थर का हो गया, दिल जो मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो मर गया ना, तो उसकी जिंदगी से खुशी गायब, हंसी गायब, उसको खुल करके हंसना भी नहीं आएगा। क्या करेगा वो? अकड़ा अकड़ा ऐसे 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 घूमता रहेगा और पता भी नहीं लगेगा, एक दिन आएगा गायब और लोग खुश हो रहे होंगे, अच्छा गया। ये सच है। तो अगर एक लाइन में बोलूं जो भी मैंने अब तक कहा तो वो ये है कि भाई दुनिया की टेंशन नहीं लेनी, दुनिया को नहीं बदलना। कुछ लोगों को ये देख करके ये सब जो मैं करता हूं उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं दुनिया को बदलने का काम कर रहा हूं। अरे ना भाई, ये भी मेरी अपनी खुद की एक प्रैक्टिस चल रही है, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि जब ये चीज करता हूं तो जब ये चीज कर रहा हूं उस समय तो मैं पूरी तरह से ये कर रहा हूं, उसके बाद में मैं अपने अंदर झांक करके देखता रहता हूं क्या ये सब करने की वजह से मेरे अंदर कहीं भी अहंकार उठा, उठा तो उसको देखा, गायब किया, खत्म किया, अपने ऊपर काम किया कि क्या मेरे अंदर कहीं भी, क्या मेरे अंदर किसी तरह की नाम की भूख आ रही है? हाँ, कहीं मैं फेम के पीछे तो नहीं भाग रहा हूं? कहीं तालियों की वजह से मैं खुश तो नहीं हो रहा हूं? जहां भी ये चीजें उठी आराम से उसको देखा, बोला भाई काम पे ध्यान दे, ये सब बेकार की चीजें हैं, आती जाती रहेंगी। क्या काम करना है अपने ऊपर?
खुद को पूरी तरह से शांत करना है, खुद को पूरी तरह से ठीक करना है। जब हम खुद ठीक हो गए तो अब हमें किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन पूरी तरह से शांत है, आप अंदर से खुशी से झूम रहे हो, तो कोई दुखी से दुखी आदमी भी आकर के आपके पास में बैठ जाएगा ना 2 मिनट के लिए, वो वैसे ही ठीक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी प्रेजेंस ही काफी होगी, सिर्फ आपका होना ही काफी है उस सोसाइटी के अंदर। कोई लालची आदमी है, उसके पास जाकर के आप बैठ जाओ तो क्या होगा, जब आप वहां से उठोगे आपके अंदर भी कई तरह के लालच आ जाएंगे कि हाँ मुझे भी ये मिल जाए, मुझे भी वो मिल जाए, मुझे भी वो मिल जाए, मुझे भी। कोई नेगेटिव आदमी है, उसके पास जाकर के बैठ जाओ क्या होगा, आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी कि हाँ यार ये सही कहता है, ये इतना बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, पूरी की पूरी दुनिया ही बुरी है, सब बुरे हैं। ऐसे किसी ऐसे आदमी के पास जाकर के बैठ जाओ जिसका मन बिल्कुल शांत है, अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, अंदर से वो झूम रहा है, बाहर से चाहे हंस नहीं रहा है लेकिन अंदर से हंस रहा है, हमेशा खुश रहता है, ऐसे आदमी के पास आप जाकर के बैठ जाओ काफ़ी है भाई, उससे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा बनना है, ये लाइफ का अल्टीमेट गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अंदर का इंटरेस्ट कैसे पता करें वो जानना चाहते हैं। पंगे लेते रहो जिंदगी में, और कोई तरीका नहीं है, बैठ करके सोचने से आप अपने इंटरेस्ट को पता नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक काम के बारे में जैसा सोचते हो और जैसा वो काम होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो आप सोचते हो किसी भी काम के बारे में या अपने इंटरेस्ट के बारे में, सब बकवास है, क्योंकि आप सोच करके उस इंटरेस्ट तक नहीं पहुंच सकते तब तक कि जब तक आप उस काम को करना शुरू ना करो, छोटे से छोटे लेवल पे। आपने ट्राई किया लाइफ में, अभी दिमाग में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, 10 चीजें चल रही हैं कि मैं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, उसमें से आपने क्या किया, खुद शॉर्टलिस्ट किया, 10 में से आपने 3 चीजें निकाली कि हाँ यार ये 3 चीजें मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी तक आपको लग ही रहा है, जब तक किया नहीं तब तक लगता है, जब करते हो तब पता लगता है। तो जब तक आपको लग रहा है आपने उन 10 चीजों में से 3 चीजें निकाल ली कि मेरे को ये 3 चीजें ट्राई करनी है, छोटे से छोटे लेवल पर ट्राई करना है। जब किया तो जो भी चीज आपके जेन्युइनली इंटरेस्ट की होगी वहां पर आप अपने आप ही रुक जाओगे, अपने आप ही अटक जाओगे, आपको खुद को अंदर से आ जाएगा कि हाँ यार यही वो काम है जो मुझे करना है। पहले आपको समझ तो आए, और जरूरी नहीं है वो इंटरेस्ट भी हमेशा के लिए रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी तो जरूरी नहीं है कि पूरी जिंदगी आप फोटोग्राफी ही करो, हो सकता है आने वाले कुछ साल बाद आपको लगे कि नहीं मैं इससे मिलता जुलता ये भी कर सकता हूं, तो करो, किसने रोका है, ये भी कर सकता हूं करा, ये भी कर सकता हूं वो भी किया, तो आगे बढ़ते रहना है, जो अंदर से आ रहा है उसको ट्राई करना है छोटे से छोटे लेवल पे, सोचना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हर एक फैमिली में ये चीज होता है, लोग स्टूडेंट के साथ ये होता है कि जब भी हम अपना एम डिसाइड कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर होता है, तो सर उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो प्रेशर है वो तो रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रेशर ना हो, और लाइफ में हमेशा रहेगा, कभी ना कभी यहाँ पर वहाँ पर किसी ना किसी तरह का, कभी फैमिली का, कभी फ्रेंड्स का, फिर जॉब करने जाओगे तो बॉस का, जब बिजनेस करोगे तो क्लाइंट्स का। तो ऐसी दुनिया की कोई स्टेज नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जब प्रेशर नहीं होगा। आपको क्या करना है, अपने इस प्रेशर को देखने के नज़रिए को थोड़ा सा बदलना है। प्रेशर में लोग 2 तरह से रिएक्ट करते हैं, एक होते हैं जो प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं, प्रेशर ज़्यादा आ रहा है चल छोड़ना यार, क्या पंगे लेने, क्या रिस्क लेना, कहीं मैंने ज़बरदस्ती वो चीज़ करी जो मैं करना चाहता हूँ और मैं फेल हो गया तो ज़िंदगी भर के लिए गालियाँ पड़ने वाली हैं कि हमने कहा था मत कर मत कर मत कर फिर भी तूने किया, होता है ऐसा है ना, कि क्यों पंगा लेना है, जो कह रहे हैं वही कर लेता हूँ ना, ज़िंदगी काट लेता हूँ किसी तरीके से, कोई बात नहीं इसी में खुश रह लूँगा, किसी तरह से यही काम कर लूँगा, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं माइंड के अंदर। तो करना क्या है, प्रेशर को आपको थोड़े से पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, प्रेशर आपके लिए बुरा नहीं है, प्रेशर अच्छा है, जितना ज्यादा प्रेशर हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है अंदर से स्ट्रांग होने का। अगर कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा स्टूडेंट है जिसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं आया अपनी पूरी की पूरी लाइफ में, उससे बदकिस्मत और दुनिया में कोई नहीं है। उससे बदकिस्मत कोई नहीं है, वो पैदा हुआ और माँ बाप ने ला करके दूध की बोतल मुंह में दे दी,
कि बेटा बैठा रहे, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कुछ नहीं करना, सब हम कर लेंगे, हमारा बिजनेस है ना, तू अपना कर, अपना इंजॉय कर अपनी लाइफ को, आकर के हमारे बिजनेस में बैठ जाइयो। उससे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि लाइफ में प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, मुश्किलों को कैसे फेस करना है। लाइफ तो भाई हर सेकंड में आपके लिए प्रेशर क्रिएट करती रहेगी। माँ बाप कब तक रहेंगे? माँ बाप गए, अब ऐसे बच्चे का क्या होगा जिसने कभी लाइफ में सिचुएशंस को फेस ही नहीं किया, खुद प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं किया, खुद अपने बेस पे कभी कोई डिसीजन नहीं लिया। जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो उसके अंदर पता है क्या चल रहा होगा, मम्मी मम्मी कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो, और मम्मी ऊपर है। अब क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। अब वो हार करके बैठा रहेगा। जो आदमी कुछ नहीं करता ना जिंदगी भर के लिए, जा करके बैठा रहता है, उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो खुद मुश्किल है। अपने आसपास वाले लोगों के लिए वो खुद मुश्किल बन जाता है कि भाई कुछ कर ले, उठ जा, कब तक सोता रहेगा, जाग भाई जाग मोहन प्यारे। तो ये होता है उन लोगों के साथ में। तो करना क्या है, मैं क्या कर रहा हूं कि भाई इस युद्ध के मैदान से छोड़ करके डर करके भागना नहीं है, लड़ना है मरते दम तक। और लड़ते लड़ते भी अपने मन को, अपने माइंड को पूरी तरह से स्थिर रखना है, पूरी तरह से शांत रखना है। आसपास में बाउंडर बचा हुआ है, आसपास में बुरा हाल है, जिन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, इस सोसाइटी की या यहां की वहां की, अपने काम की लाखों प्रॉब्लम्स हैं, उन लाखों प्रॉब्लम्स के बीच में स्थिर खड़े होना है। इतना सा भी नहीं है, डगमगाना नहीं है। आता है प्रेशर, आने दो, मुश्किलें आती हैं, आने दो। और जब मुझे लग रहा होता है ना कि लाइफ बड़ी, मतलब कोई प्रेशर ही नहीं है लाइफ के अंदर, तो मैं जानबूझ करके पंगे लेता हूं, जानबूझ करके कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता हूं कि कुछ चीजें आए और फिर मैं देख सकूं कि मेरे में कितना दम है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और समझ नहीं पाते स्पिरिचुअलिटी को, वो क्या कर रहे हैं, कुछ 50 बुक्स पढ़ी, रट ली, और जरा सी आपसे कोई बात हो रही होगी ना, बिना पढ़े रटा हुआ है और भगवत गीता का श्लोक मारेंगे, पेज नंबर ये, श्लोक नंबर ये क्या हो रहा है, रट लिया, सब कुछ याद कर लिया, अपने अंदर कुछ बदला, अंदर से देखा कि कुछ साफ हुआ नहीं हुआ, अपने मन को साफ किया, अपने मन को स्थिर किया, शांत किया, जो बातें लिखी हैं उन बातों को प्रैक्टिस किया नहीं किया, बल्कि उसमें लिखा है कि अपने अहंकार को कम करना है, और भगवत गीता को पढ़ करके ये सब रट करके अपने अहंकार को बढ़ा लिया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, उल्टा हो गया। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहे हो, ये नहीं करना। तो करना क्या है कि स्विमिंग को पढ़ करके नहीं सीखना। कोई आदमी कहता है मैं बहुत अच्छा तैराक हूं, क्यों? क्योंकि स्विमिंग के ऊपर 50 किताबें हैं, मैंने सारी पढ़ ली, मेरे को बिल्कुल रटा हुआ है कि हाथ को ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे उल्टी स्विमिंग होती है, ऐसे सीधी स्विमिंग होती है, सब कुछ रट लिया। उसको पानी में तो उतारो, पानी में नहीं उतरा कि छोड़ना, पानी में कौन उतरेगा, दुनिया को उतारेंगे ना पानी में, खुद क्यों उतरना है, खुद क्यों उतरना है। स्विमिंग को पानी में उतर करके सीखना है, तैरना है, युद्ध को लड़ना है, युद्ध से डरना नहीं है, प्रेशर से डरना नहीं है। एक इंसान के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ हो सकता है तो वो ये है कि उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आए और फिर भी वो सारी मुश्किलों का सामना करते 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 आगे बढ़ता चला जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। लाइफ का इससे अच्छा एंड और कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी का इससे अच्छा एंड और क्या होगा। सोचो आपकी उम्र हो गई है 70 साल 80 साल और आप पीछे पलट करके देख रहे हो कि 70 साल के अंदर 80 साल के अंदर ये हुआ, अच्छा ये हुआ था, फिर भी मैं टिका रहा। तो अब आने दो मौत को। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। तो मौत की भी आप आंखों में आंखें डाल करके कहोगे आजा, नहीं डरने वाला। जिंदगी के सबसे बड़े डर को भी आप जीत लोगे अगर आप एक योद्धा हो, तो अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे।